वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम डिजिटल गगन है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एस ग्रुप प्रॉफिट के बारे में। एस ग्रुप प्रॉफिट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनरेशन क्या होती है। ठीक है, एस ग्रुप प्रॉफिट को समझने से पहले हम समझते हैं कि जनरेशन क्या होती है। जब एक इन्फ्लुएंसर के नीचे इन्फ्लुएंसर बन जाता है तो उसे इन्फ्लुएंसर जनरेशन कहना शुरू कर देते हैं, मतलब वहाँ से इन्फ्लुएंसर जनरेशन शुरू हो जाती है। जब एक एस के नीचे एस बन जाता है तो वो उसकी एस जनरेशन शुरू हो जाती है। जब एक एबीओ के नीचे कोई एबीओ बन जाता है तो वो उसकी एबीओ जनरेशन शुरू हो जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये asot.com के बारे में है, तो जो लोग asot प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वही लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो आपको इसकी बेसिक वीडियो देखनी चाहिए, और बेसिक वीडियोज़ के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किए हुए हैं। ठीक, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और जैसे अभी मैंने आपको इन्फ्लुएंसर एस एंड एबीओ के बारे में बताया, अब बात करते हैं ग्रुप प्रॉफिट के बारे में। अब जो ग्रुप प्रॉफिट है वो किस तरीके से आता है? ग्रुप प्रॉफिट आपको पता है कि जब कोई शॉपिंग करता है तो जो उसके ऊपर पहला हायर टाइटल होता है, जैसे इसकी जो वैल्यू है वो 32% है, ठीक है, मेवन टाइटल की वैल्यू 46% है, और जो इससे ऊपर इन्फ्लुएंसर टाइटल है उसकी वैल्यू 60% है, एस टाइटल की जो वैल्यू है वो 63% है, और जो एबीओ टाइटल की वैल्यू है वो 65% है। तो ये इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एस है इस एस के नीचे यहाँ पर ये पांच इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक, और पांच इन्फ्लुएंसर से क्या होगा कि ये सभी टाइटल जो हैं वो इस एस टाइटल से छोटे हैं, तो ये इसकी पर्सनल कम्युनिटी है। इसे आप पर्सनल कम्युनिटी कह सकते हैं, पर्सनल ग्रुप कह सकते हैं, और इस सारे ग्रुप से जो है इस एस को ग्रुप प्रॉफिट जनरेट होगा। अब इस ग्रुप प्रॉफिट को निकालने के लिए मैं पहले आपको यहाँ समझा देता हूँ ग्रुप प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर किसी ने शॉपिंग की है, ठीक, तो इसको 16% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर उसने KYC रजिस्टर किया है, अपना कंप्लीट साइनअप किया है, एंड वो एसॉट का सेलर पार्टनर बन के यहाँ से शॉपिंग कर रहा है, उसे 16% डिस्काउंट मिल गया। और इस प्रमोटर का प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपली 32 में से इसके जो नीचे है जिसने शॉपिंग किया 16% उसको मिला है तो माइनस कर देंगे, ये इसका 16% प्रॉफिट हो गया। मेवन का प्रॉफिट निकालने के लिए 46 में से हम माइनस कर देंगे 32 को, प्रमोटर का टाइटल, ठीक, तो ये बन गया 14%। और इन्फ्लुएंसर टाइटल है 60% का, और इसमें से माइनस कर देंगे 46 जो इसके नीचे वाला टाइटल होगा, उसका भी बन गया प्रॉफिट 14%। जो एस है इसका टाइटल है 63% और माइनस कर देंगे 60 को तो ये बन जाएगा 3%। तो यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पे जितना भी इनका बिजनेस होगा उसका मिनिमम टू मिनिमम 3% जो ग्रुप प्रॉफिट है इस एस को मिलना ही मिलना है। एस को एक और प्रॉफिट मिलता है ग्रुप बोनस, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उस ग्रुप बोनस के साथ साथ ये होता है ग्रुप प्रॉफिट, और ये मिनिमम 3% है और मैक्सिमम ये बन जाता है 47%। अब ये 47% कैसे बनेगा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये पांच लोग हैं, अब मान लीजिए छठे नंबर पे वो किसी और का साइनअप करवाते हैं जो यहाँ पे एम्बेसडर से स्टार्ट करते हैं और वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं 16% से। अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर ये जो दो टाइटल हैं, तीन टाइटल हैं, ये मान लीजिए यहाँ पे नहीं है, और एक एज जो है वो डायरेक्ट में किसी को शॉपिंग करवा रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो वो प्रॉफिट हो जाएगा 63 माइनस 16, वो हो जाएगा 47%। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रमोटर है 32% पे, ठीक है, लेकिन ऊपर 46-60 नहीं है, तो कितना होगा? 63 माइनस 32, तो ये बन जाएगा 31%। मान लीजिए यहाँ पे कोई 46% है, बीच में 60% नहीं है, तो ये प्रॉफिट कितना होगा? 63 माइनस 46, तो ये बन जाएगा 17% का। अब मान लीजिए यहाँ पे 60% भी है तो सेम जो मैंने पहले बताया था 3% वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये ग्रुप प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप एक एस टाइटल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये सारा का सारा जो है इसका पर्सनल ग्रुप है। अब मान लीजिए ये जो पहला इन्फ्लुएंसर है ये एस बन जाता है, ठीक है, ये इसका टाइटल हो गया 63%। तो यहाँ पर जो ये वाला बिजनेस होगा ये सारा इस एस के लिए हो गया, इसका एस जनरेशन प्रॉफिट, मतलब ये एस जनरेशन बन जाएगी इसकी, ये इसकी पहली एस जनरेशन हो जाएगी। और ये जो बाकी है ये सारा इसका रहेगा पर्सनल ग्रुप, ये भी इसका पर्सनल ग्रुप में ही रहेगा। तो इस तरीके से आप ये प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी,
और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।